तो फाइनली दोस्तों फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी का 10th पार्ट फास्ट एक्स ने आज 5 दिन कंप्लीट करके 6वें दिन में एंट्री मार ली है और क्या रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है बॉक्स ऑफिस पर, न कि सिर्फ वर्ल्ड लेवल पर बल्कि इंडिया में भी। जबकि इंडिया में केरला स्टोरी जैसी मूवी वायरल ट्रेंडिंग मूवी ने पहले ही कब्जा जमा के बैठा है, उसके बाद भी रोज एक मोटी अच्छी कमाई अपने खाते में रख रही है। तो आज जानेंगे कि मूवी कितनी कमाई कर चुकी है, पहले दिन कितना कमाया, मूवी कैसी है, लोगों को ये 10वां पार्ट पसंद आ रहा है या नहीं, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी जबरदस्त एक्शन एंटरटेनमेंट और कार स्किल से भरी फिल्म के डाई हार्ट फैन हैं तब, और फास्ट एक्स का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक्शन ड्रामा फैमिली वैल्यू लेसन और कार की जबरदस्त हाई फाई तोड़ मरोड़ स्किल से भरी फिल्म फास्ट एक्स बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है रोज, और एक मोटी कमाई अपने खाते में रखकर इस फिल्म ने साबित कर दिया कि चाहे 22 साल हो जाए या फिर 50 साल ही क्यों ना हो जाए, मेरी फैन फॉलोइंग अमेजिंग है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को बहुत पसंद करा जा रहा है, जो भी थिएटर से बाहर निकल रहा है पैसा वसूल करके ही निकल रहा है। हाँ यह है कि ड्वेन जॉनसन उर्फ द रॉक की कमी महसूस तो हो रही है, लेकिन जॉन सीना, जेसन स्टैथम और द मोस्ट अमेजिंग विलेन द साइकोपैथ जेसन ममोआ ने इस कमी को पूरी कर डाला है। तो दोस्तों आंकड़ा तो रोज ही चढ़ता जा ही जाए फिल्म का। जी हाँ दोस्तों, बात करें इंडिया में कैसी ओपनिंग रही फिल्म की, तो यस धमाकेदार ओपनिंग के साथ मूवी ने पहले ही दिन इंडिया से भारी भरकम रकम खाते में रखकर जबरदस्त खाता खोला और लगभग 12.5 करोड़ का कलेक्शन अपने खाते में रख लिया। इसी के साथ दूसरे और तीसरे दिन भी अच्छी ग्रोथ करते हुए और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज कलेक्ट करते हुए मूवी ने अमेजिंग ट्रेंड पर अपना नाम दर्ज किया, और साथ ही चौथे दिन भी रिदम में कमाई करते हुए पहले 4 दिन में ही लगभग 60 करोड़ के आसपास सिर्फ इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस से आंकड़ा अपने खाते में रखा था। बता दूं तो 5वें दिन भी ग्रोथ शानदार रही और लगभग 6.70 करोड़ का कलेक्शन करके अपने 6वें दिन में एंट्री मार ली थी। और आज यानी अपने 6वें दिन भी मॉर्निंग से ही अच्छी ऑक्युपेंसी रेट के साथ लगभग एडवांस में 2 करोड़ का कलेक्शन करा, और आफ्टरनून और इवनिंग में भी अच्छे सोच अपने खाते में रखते हुए एंड ऑफ द डे शायद से शायद 6.5 करोड़ के आसपास कमाई कर लेगी फिल्म। और इसी के साथ शुरुआती 6 दिन का टोटल नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 72 करोड़ के ऊपर सेट कर देगी फिल्म। बात करें वर्ल्ड लेवल पर कितनी कमाई कर चुकी है अभी तक ये फिल्म, तो दोस्तों लगभग 2800 करोड़ पार करके ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होते जा रही है डे बाय डे, और जबरदस्त आंकड़ा रोज देकर बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। ये आप लोग बताएंगे कि फास्ट एक्स इंडिया में 200 करोड़ का बिजनेस कर पाएगी और पूरी दुनिया में 5000 करोड़ का कलेक्शन अपने खाते में रख पाएगी। दूसरा, अगर आप लोगों ने भी फिल्म देख ली है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना कि आपको यह मूवी कैसी लगी। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।